आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 1.7 उसको करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ए नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद बी नंबर पर बात करेंगे। ए नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक कंटिन्यूअस लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लगातार चलता रहता है, कहीं पर भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का ब्रेक नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालता है ना, ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेगा ना, तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जैसे आ रहा है तो आते समय ऐसे ही बीच में अचानक से टूट गया और फिर ऐसे जा रहा है, नहीं, बीच में अचानक से कहीं पर ब्रेक नहीं होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन्फिनिटी तक ना पहुँच जाए तब तक बीच में कहीं पर भी टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से यहाँ तक है और बीच में थोड़ा सा नहीं है और फिर उसके बाद हो गया फिर से, ना ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा एक कंटिन्यूअस लाइन है, लगातार बस चल रहा है तो चलता ही रहेगा लगातार, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। ऐसा क्यों, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है क्या अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं, जरा समझते हैं क्यों। इसको चाहे तो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, हम दोनों को बारी बारी तरीके से, दोनों तरीका बारी बारी से बताते जाएंगे। देखा जाए, जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है तो इस क्यू चार्ज से जैसे ही मान लिया जाए जा रहा है और अगर यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक हो जाने का मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, तब तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग कोई चार्ज रख दे तब तो इस पर तो क्या फोर्स नहीं लगना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए, फोर्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, फोर्स नहीं लगना चाहिए ना, अच्छा फिर इधर रखेंगे तो लगना चाहिए, इधर रखेंगे तो लगना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे तो नहीं लगना चाहिए। अच्छा ठीक, यही ना कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस चार्ज के वजह से इस चार्ज पर तो फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए अगर आर है, तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, के Q1 into Q2 are divided by क्या R square। तो यहाँ पर रखा हुआ अगर ये कोई चार्ज है इसके आसपास यहाँ पर, तो इस पर क्या होना चाहिए, फोर्स तो लगना चाहिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से जो फोर्स होता है वो तो होता है चार्ज इंटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एबसेंट है, तब तो मेरा फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो ना। तो एक तरीके से देखिए अगर यहाँ पर बीच में गैप करके, तो यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, फोर्स मेरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब कूलम्स लॉ से सोचे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फोर्स मेरा, फोर्स तो लगेगा ही, तब तक लगेगा जब तक कि चार्ज इन्फिनिटी पर नहीं पहुँच जाए ना। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स दिख रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हमको क्या, फोर्स नहीं दिख रहा है ना। तो ये इस तरीके से दो अलग अलग एक कॉन्सेप्ट का एक अलग अलग रिजल्ट आ जाना, ये भी मेरा क्या साबित करता है कि ये चीज़ मेरा गलत है इस पॉइंट पर, यहाँ पर थोड़ा सा के लिए बीच में भी कोई ऐसा जगह खाली नहीं होगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाए, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बीच में टूट जाए। अच्छा, एक और तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये एक तरीका हुआ, अब हम एक दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखा जाए, जैसे इसको एक बात को समझा जाए कि ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से जैसे ही दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत मेरा घटते जाता है। जैसे ही इस क्यू चार्ज से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या होगा मेरा, घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्यू चार्ज की वजह से, वो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, KQ/R², के का मान 9×10⁻⁹, यानी कि 1/4πε₀ जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, KQ/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू डाले हम लोग, आर का कोई भी वैल्यू डाले, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। आर का यहाँ पे देखा जाए, के एक कांस्टेंट है, क्यू तो मेरा क्या है, ये चार्ज है, आर का कोई भी वैल्यू डाल लो आप, वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। आर का कोई भी वैल्यू डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, आर का वैल्यू अगर हम लोग क्या डाल देते हैं, इन्फाइनाइट, जब R का वैल्यू हम लोग इन्फाइनाइट डालेंगे तभी ये टर्म मेरा क्या होगा, जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अगर जीरो होना है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा, वो कौन सा पॉइंट है, इन्फाइनाइट पॉइंट पर। इस क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर, इन्फाइनाइट दूरी पर ही जाएंगे तभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर R का हम लोग चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, R का बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, इतना डिस्टेंस अगर ले ले, तो R का कोई भी वैल्यू ले ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरा जीरो नहीं होगा। इस इक्वेशन को देख करके लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड
डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ग्रेजुअली मेरा क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरा लगातार घटता जाएगा, अचानक से जीरो नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो मेरा अचानक से जीरो नहीं हो जाएगा कहीं बीच में भी। ऐसा क्या कोई वैल्यू है, जैसे इस इक्वेशन को देख करके अगर सोचा जाए, तो जैसे जैसे लगातार आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार घटता जाएगा। अचानक से कभी कोई ऐसा आर का वैल्यू नहीं है इन्फिनिटी को छोड़ा करके, आर का कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए कि ये टोटल टर्म मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। यानी कि अगर इस क्यू चार्ज से हम लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत लगातार घटते जाएगा, ऐसा नहीं घटते घटते यहाँ पर हुआ और उसका सीधे अचानक से क्या थोड़ा देर के लिए और जीरो हो गया और फिर उसके बाद वैल्यू आने लगा, नहीं। जब से जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू घटेगा वो एकदम लगातार घटेगा, कंटिन्यूअस डिक्रीजमेंट होगा ना, लगातार घटता जाएगा, अचानक से कहीं बीच में जीरो नहीं होगा, लगातार घटता जाएगा तब तक जब तक कि इन्फिनिटी पर हम लोग ना पहुँच जाए ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रेजुअली डिक्रीजमेंट होता है, लगातार घटते रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अचानक से नहीं घट जाता कहीं पर ना, लगातार घटते रहता है। और कब तक घटते रहता है, इन्फिनिटी तक घटते रहता है। बीच में कहीं पर ऐसा कोई वैल्यू, आर का कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए कि क्या हो जाए इक्वेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेरा कहीं पर जीरो हो जाए ना। तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो क्या होता है, एकदम कंटिन्यूअस लाइन होता है, एकदम लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू घटेगा दूरी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा वो एकदम बड़ा लगातार घटते जाएगा, लगातार ऐसे ही घटते चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह का एक्सप्लेनेशन हम बात किए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा सा लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखे हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं जरा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो कंटिन्यूअस लाइन है, लगातार चलने वाला लाइन है। बिकॉज क्योंकि अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या करता है, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें क्या लिखाए थे कि चार्ज जो है वो लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करते रहता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। अच्छा, चार्ज यहाँ रहेगा, यहाँ भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ भी करेगा, लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करता रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर तक है बीच में यहाँ पे नहीं कर रहा, फिर इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ ना, जो पहला कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूअस लाइन क्यों है, लगातार लाइन क्यों है, क्योंकि चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करता है लगातार फोर्स को, लगातार एक्सपीरियंस करते रहेगा क्या, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, में लगातार करता रहेगा एक्सपीरियंस फोर्स व्हाइल मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको, उस चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएगा हर समय लगातार क्या करते रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करते रहेगा। कब तक करते रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब तक जब तक कि वो इन्फिनिटी पर ना पहुंच जाए। ये चार्ज जब तक मूव करते रहेगा, यहां से जाते रहेगा, हमेशा लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करते रहेगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है, लगातार लाइन है। इसी को एक और तरीके से भी हम लोग, जो दूसरा वाला मेथड पढ़े, एक और तरीके से चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो सडन ब्रेक नहीं होता है, लगातार चलते चलते कहीं बीच में अचानक से टूट गया फिर चलने लगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो चार्ज है ना, चार्ज मूव कंटिन्यूअसली, यानी कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, लगातार मूव करता रहता है। ऐसा नहीं कि चलते 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 कुछ दूर गया और फिर उसके बाद चलते चलते यहाँ पहुँचा, अब देखा क्या, अरे अब यहाँ पर तो ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज यहाँ से जंप करके अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर चलने लगेगा बीच में, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि पुल टप गया, ऐसा नहीं है ना, लगातार चलते रहता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव क्या सडन ब्रेक, अचानक से नहीं टूट सकता कहीं पर, क्योंकि जो चार्ज है वो मूव करता है कैसा, कंटिन्यूअसली मूव करता है, लगातार मूव करता है, एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं करता ना। जंप करता होता तब ना, यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, तो चलो बीच में नहीं हुआ तो काम चल गया, नहीं, लगातार चलते जाएगा, जंप नहीं होता। इसी वजह से ये बीच का जो जगह है, इस जगह पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि खाली रहेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एकदम पूरा भरा रहेगा ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू गैप, गैप से होकर के ऐसे जंप करने वाला कहानी इसका नहीं है। तो इसको फटाफट से क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का कौन सा, बी नंबर की ओर। अब देखा जाए, ये 1.7 का बी नंबर पर हम लोग बात करते हैं।
बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी कट क्यों नहीं करता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी, ये जैसे कट किया ना, ये कट क्यों नहीं करता है? नहीं, ये नहीं करता ना, नॉट, ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक बात जानते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि अगर किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसे टेंजेंट खींच देंगे, टेंजेंट ऐसे खींच देंगे, तो हमको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट पर देखा जाए तो इस वाले फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट किधर आएगा मेरा? इधर आया। अच्छा, यानी कि ये टेंजेंट बता रहा है कि इस पॉइंट पर, मान लिया जाए इस पॉइंट का नाम है P, इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर चर्चा करें, ध्यान दे, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखने का कोशिश करते तो क्या करते? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग इस पर हम लोग क्या करते, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते। तो इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते इस वाले फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग, तो इसी पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मेरा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी पी पॉइंट पर इस वाले फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग टेंजेंट मेरा इधर बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ऐसे जा रहा था, हम लोग क्या किए इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इस वाले फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग टेंजेंट खींचे तो ये इधर आ गया, इस वाले फील्ड लाइंस के हिसाब से अगर टेंजेंट खींचे तो वो मेरा क्या हो गया? उधर हो गया। तो एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट हमेशा क्या होता है? कोई एक ही होता है। एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा फर्स्ट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इस चीज़ को चर्चा किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी बात को क्या करते हैं, जरा सा लिख लेते हैं। हाँ, तो ये फिगर बना करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता, क्योंकि इन दैट केस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उस समय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल ना, एक ही पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेट तो हमेशा कोई एक ही होता है ना। ऐसा नहीं दिमाग में सोचना है कि अच्छा नेट है तो क्या इसका, ये नेट है तो इन दोनों को फिर वेक्टर से जोड़ करके बीच में से नेट निकाल दो, उसको नेट बोल दे, नहीं, इस सब दिमाग में लगाना ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर बस टेंजेंट खींचो, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिलेगा। तो दोनों फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हमको नेट डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई एक ही डायरेक्शन होता ना। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।